हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ टूटी फूटी, वो भी वाटरमेलन से। और वाटरमेलन का मौसम भी है, तो आज हम बनाएंगे वाटरमेलन के वेस्ट पार्ट से टूटी फूटी। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आप टूटी फूटी को डेजर्ट केक, कुकीज वगैरह में यूज कर सकते हैं। तरबूज की टूटी फूटी बनाने के लिए मैंने ये तरबूज का जो नीचे वाला वेस्ट पार्ट है वो हम इसको यूज करेंगे, और ये जो ग्रीन पार्ट है इसको निकाल देंगे, जो थोड़ा रेड पार्ट है इसको भी हम अच्छे से नाइफ से निकाल देंगे। तो चलिए हम इसको पहले पील कर लेंगे। हमने ये पार्ट लिया है, अभी हम इसको निकाल देंगे ऐसे। देखिए निकाल दिया मैंने, अभी इसका जो रेड पार्ट है हम इसको निकाल देंगे। देखिए मैंने निकाल दिया है अच्छे से, ऐसे ही हम इसको सारे को निकाल लेंगे। ये मैंने सारे पील कर लिए हैं। देखिए अभी हम इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे, क्योंकि जो टूटी फूटी का शेप होता है ना छोटे छोटे, वैसे ही। आप इसको ज़्यादा छोटा कट ना करें, क्योंकि ड्राई होने के बाद श्रिंक हो जाते हैं। इस तरह से हम सारे कट कर लेंगे। ये सारे मैंने कट कर लिए हैं, अभी हम इसको पानी में बॉईल करेंगे। मैंने कढ़ाई रख दी है, अभी मैं इसमें डालूंगी 1.5 गिलास पानी। इसको बॉईल हो जाने देंगे, फिर हम इसमें ये डाल देंगे। पानी बॉईल हो गया है, अभी मैं इसमें ये सारी ये डाल लेती हूँ। इसको जब तक बॉईल करेंगे तब तक कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाएगा। हम इसको हाई फ्लेम पर बॉईल करेंगे, कवर कर देते हैं। हम टूटी फूटी को चेक कर लेते हैं। देखिए हो गई है हमारी पीसेस। अभी हम इसकी गैस फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये मैंने स्ट्रेन कर दी, इसका पानी निकाल लिया है। अभी हम इसकी चाशनी रेडी कर लेंगे। अभी मैंने कढ़ाई रख दी है, इसमें मैं डालूंगी पानी। ये मैंने 1.5 गिलास पानी डाल दिया है, और अभी मैं इसमें डालूंगी चीनी। मैं इसमें इतनी चीनी डाल रही हूँ, ये लगभग आधी कटोरी है मेरी इस कटोरी के साइज से। आप चीनी को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी हम बॉयल आ जाने देंगे। ये बॉयल हो गया है, मतलब चीनी डिजॉल्व हो गई है। अभी मैं इसमें डाल दूंगी ये टूटी फूटी, और हम इसको चाशनी में मिक्स हो जाने देते हैं अच्छे से। हम इसको चाशनी में 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। अभी मैं इसमें डालूंगी वनीला एसेंस, 1 चम्मच डाल दिया। अभी हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आप चाहे तो रोज वाटर भी डाल सकते हैं। अभी थोड़ी देर और इसको एब्जॉर्ब हो जाने देते हैं, तो हम इसकी गैस भी वार्म करते हैं। ये अच्छे से हो गए हैं चाशनी में, अभी हम इसको बॉल में निकाल लेते हैं। आपको जितने कलर मिक्स करने हैं हम उतने बॉल में निकाल लेंगे। हम इसका थोड़ा सा ये रस भी निकालेंगे। इसी तरह हम बाकी के बॉल्स में निकाल लेंगे। मैंने ये 5 बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है, तो अभी मैं इसमें कलर मिक्स करूँगी। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ रेड कलर, हम रेड को मिक्स कर लेंगे। ये रेड कलर मैंने डाल दिया है इसमें। अभी मैं डालूँगी ग्रीन कलर, ग्रीन कलर भी अच्छे से मिक्स हो कर दिया है। अभी मैं इसमें डालूंगी नेक्स्ट कलर। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ येलो कलर, इसको अच्छे से येलो कलर को मिक्स कर दिया है। अभी मैं इसमें डालूंगी ऑरेंज कलर। कलर आपको एक एक थोड़ा थोड़ा सा डालना है, जिससे देख के कलर आ जाए, तो उस अकॉर्डिंग थोड़ा सा और ऐड कर दें अगर कलर नहीं आता है।
ये मैंने सारे कलर इसमें मिक्स कर दिए हैं और इसको हम नेचुरली रहने देते हैं फिफ्थ बॉल को। तो अभी हम इसको 3 आवर्स के लिए रख देंगे ताकि ये इसमें कलर अच्छे से मिक्स हो जाए, कलर एब्जॉर्ब कर ले टूटी फूटी को। फिर हम इसे मिलते हैं 3 घंटे बाद। 3 घंटे हो गए हैं और ये हमारी देखो अच्छे से कलर भी इन पर आ गया है। इसका जो एक्स्ट्रा पानी है जूस है वो हम निकाल देंगे और फिर हम इसको सूखने रख देंगे। मैंने एक बोल ले लिया है और अभी मैं एक छन्नी रख रही हूँ और इसका जो इसको उसमें डालेंगे जो एक्स्ट्रा इसका पानी रहेगा ना वो निकल जाएगा। ऐसे ही हम सबका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और हम इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे। ऐसे ही हम बाकी के भी ऐसे ही ड्राई करने रख देंगे। और आप इस पानी को शरबत वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। टूटी फूटी को मैंने ये अच्छे से ड्राई करने के लिए रख दिया है। अभी हम इसको ओवरनाइट पंखे में रखेंगे और फिर कल हम इसको धूप में रखेंगे। तो चलिए ये रेडी होने के बाद हम देखिए हमारी टूटी फूटी रेडी है और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक लिए बाय बाय।